सब्सक्राइब कीजिए सिविल टेक हिंदी चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, भूकंप का नाम तो आप सभी ने सुना होगा और अब ये जानते भी होंगे और कभी आपने भूकंप का झटका महसूस भी किया होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि ये जो भूकंप है या अर्थ है अपनी, इसकी इनर्स, इसका स्ट्रक्चर अंदर से कैसा है, क्या है इसका पूरा मैटर? तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपको इसी द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में बात करूंगा। और आइए जानते हैं कि क्या होता है पृथ्वी का स्ट्रक्चर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं सिविल टेक हिंदी। सबसे पहले हम अगर पृथ्वी की बात करें, जो भूकंप, अगर भूकंप जनरेट होता है पृथ्वी के अंदर से, कारण होता है इसका मुख्य के पृथ्वी की कुछ प्लेटें होती है अंदर की जो हिल जाती है। फ्रेंड्स, आप सभी ये कोई बात पता होगी या नहीं होगी कि ये जो पृथ्वी है, महासागर है और ये महाद्वीप है, ये खुद अपने आप में तैर रहे हैं। ते हैं ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मतलब किस सरफेस पर तैरती है ये मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। फर्स्ट में आता है फ्रेंड्स क्रस्ट। क्रस्ट मतलब पपड़ी, ये 60 किलोमीटर तक होती है। इसमें आपको सॉलिड मिल जाएगा, ये जिसमें चट्टाने, रॉक्स यही मिलेंगी आपको। इसके बाद फ्रेंड्स आती है मेंटल। मेंटल को वापस दो भागों में बांटा गया है, एक तो इनर मेंटल और एक आउटर मेंटल। तो जो आउटर मेंटल आती है वो पहले, आउटर मेंटल में ये भी लगभग पूरी ठोस तो नहीं होती है, ये आपको मिल जाएगी आगे 660 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज होती है। 660 किलोमीटर तक ये जो आउटर कोर है वो जाती है और इसके बाद अगले 2900 किलोमीटर तक, मतलब 2900 किलोमीटर्स तक ये जो इसकी इनर मेंटल है ये जाती है। यहाँ का तापमान होता है, टेम्परेचर करीब 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका तापमान होता है अंदर का। फ्रेंड्स, इसके बाद आती है कोर, जो थर्ड आती है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं इससे पहले एक बात को भूल गया कि इसकी जो डेंसिटी है वो 3.4 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लेते हैं कोर। कोर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, इनर कोर और आउटर कोर। आउटर कोर जो फ्रेंड्स आती है वो आती है लगभग 5000 किलोमीटर तक इसकी ये रेंज होती है, अंदर तक आती है। और आपने वैसे पृथ्वी का जो अर्थ का डायमीटर है वो पड़ा होगा करीब 7200 के समथिंग कुछ है किलोमीटर में, ये जो पृथ्वी का डाया है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कोर की। कोर जो होती है वो दो भागों में, आउटर और इनर। जो आउटर होती है वो करीब 5000 किलोमीटर तक के आसपास होती है और इनमें जो इनर कोर होती है वो होती है करीब 6500 किलोमीटर तक। और इसके बाद जो पृथ्वी का मुख्य भाग आ जाता है सेंटर, इसमें इनर कोर में आपको कुछ धातुएं मिलेंगी, कुछ धातुएं पाई जाती हैं यहाँ पर आपको, जैसे निकल और आयरन, ये जो दो है ये दो धातु मुख्य रूप से इसमें पाई जाती है। और इसका टेम्परेचर होता है करीब 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। फ्रेंड्स, 6000 डिग्री सेल्सियस हम किसे कहते हैं, ये पृथ्वी के अंदर होता है। तो अब सोचिए आपके जब इतना तापमान होगा और ये जो कोर का भाग रहता है मुख्य, ये मेनली लिक्विड रहता है। तो फ्रेंड्स, अब आप सोचिए कि ये जो मेंटल है और क्रस्ट है, ये कोर पर तैर रही होंगी या नहीं। अगर आपको कोई प्रश्न है इससे संबंध में, मेंटल, कोर या क्रस्ट से संबंध में, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपका प्रश्न है। और इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो ये सब तैर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप सोचिए कि जब ये इतना लिक्विड पार्ट है तो ये तैरेंगी क्यों नहीं। ये जो ऊपर ये महासागर तक है, ये महासागर और महाद्वीप जिस पर हम तैर रहे हैं, ये सब भी तैर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने जाना कि किस प्रकार स्ट्रक्चर होता है अर्थ का और इसकी क्या संरचना होती है, और भूकंप के बारे में आपने जाना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या इससे थोड़ा भी अगर आपको ज्ञान मिला हो, जो आपको पहले था या नहीं था, अगर ऐसा आप थोड़ा भी आपका नॉलेज बढ़ाओ तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं आगे भी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।